सो गाइज कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और अभी आप लोग स्वेबिक क्लासेस ऐप पे अपना JCS CGL का कोर्स पढ़ रहे हैं। सो आज का हमारा जो लेक्चर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोनमर्डी का जो दूसरा कहानी है इसका नाम है जिंदगी जिंदगी डोवानी। तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो स्टोरी है। और ये हमारा चैनल है, जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हो ये आपके फ्रेंड जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो लोग झारखंड में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे CGL हो, SI हो, पुलिस कांस्टेबल हो, JTET CTET, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारे झारखंड से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम को निकालने में आसानी होगी। ठीक है, एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो चलिए हम आज जो पढ़ने वाले हैं खोटा की जो दूसरी कहानी है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो जो लोग भी इस ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किए हो, स्वेबिक क्लासेस ऐप को, जो लोग हमारे कोर्सेज में नहीं जुड़े हो, जो लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, चाहे वो खोटा पढ़ना चाहते हो, चाहे CGL के लिए और जो कोर्सेज है, वो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो हम वहाँ पे आपको उसके बारे में बताएंगे और इस तरह से आप हमसे हमारे ऐप में जुड़ के CGL की अच्छी तैयारी कर सकते हो। और ये हमारे ऐप का लोगो रहा, आपको प्ले स्टोर पर ऐप ऐसा देखने को मिल जाएगा। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम दूसरी कहानी देखने वाले हैं, किसकी? सोंद माटी की। तो हमने जैसे आपको बता रखा था, सोंद माटी जो है एक कहानी और कविता के संग्रह है, जैसा कि लिखा हुआ है। छहियर जो किताब था वो सिर्फ कहानियों का संग्रह था, लेकिन ये जो सोंद माटी और कहानी और कविता का दोनों का संग्रह है। और इसके लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार। कौन है लेखक? प्रोफेसर विनोद कुमार। तो चलिए हम सोंद माटी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लेखक का परिचय हमने आपको जो जोरी था बता दिया था, सो हम इसे हर लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये आपको दिया रहेगा जब PDF नोट्स में, तो ये उसमें लिखा भी रहेगा। सो चलिए हम सीधे कहानी पे चलते हैं। तो ये जो सोंद माटी में 10 कहानियां हैं, जिसमें से पहली कहानी हमने देख ली थी जो क्या था, उबार था, उसके MCQs भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम आज दूसरी कहानी देखने वाले, इसका नाम है जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी मतलब जिंदगी का संघर्ष, जिंदगी की कठिनाइयां, जिंदगी का रोना, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो ये दूसरी कहानी है, इसको हम आज पढ़ेंगे। इसके MCQs भी आपको आज ही मिल जाएंगे विथ PDF, जो भी जरूरी नोट्स होगा उसके साथ हम आपको देंगे। तो टोटल जो कहानियां हैं इस किताब में कितनी हैं? 10 हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हर कहानी के पहले हम शीर्षक को डिस्कस करते हैं। देखो ये जो शीर्षक है कहानी नंबर 2, जिसका नाम है जिंदगी की डोवानी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कहानी का शीर्षक है, आप खोटा में क्या बोलते हो? शीर्षक बोलते हो। और हिंदी में क्या बोलते हो? शीर्षक बोलते हो। तो इसका अर्थ है जीवन का रोना या जीवन का संघर्ष या जीवन की कठिनाइयां भी कह सकते हो, कठिनाइयां, ठीक है। तो ये जो कहानी है जिसे कि प्रोफेसर विनोद कुमार ने लिखा है, इसमें एक्चुअली बताया क्या गया है, इसके मुख्य पात्र हैं कौन? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितनी भी मैंने कहानियाँ पढ़ाई हैं सब में मैंने आपको बताया कि कहानी का मुख्य पात्र कौन होता है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है या फिर जिसके ऊपर कहानी लिखी जाती है। तो ये जो कहानी है जिंदगी की डोवानी, ये किस पे लिखी गई है, उसके मुख्य पात्र कौन है? तो इसके मुख्य पात्र है एक तो जंगली, ये एक व्यक्ति का नाम है। जंगली क्या है? नाम ही है। ये एक शिक्षित बेरोजगार है, कहने का मतलब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कि बेरोजगार है। और इसमें बाकी जिन पात्रों का जिक्र हुआ उसमें एक इसका बड़ा भाई है जो कोलवरी के ऑफिस में बड़ा बाबू है, एक मंझला भाई है जो कि प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट है, इसका दोस्त है जिसका नाम अशोक है। मतलब इसमें बेसिकली दो ही, इस कहानी में दो ही नाम का जिक्र है, एक तो जंगली जो कि खुद एक नाम है, आप लोग ऐसा मत समझना कि जंगली उसे बोला जा रहा है, जंगली जो है उसी पात्र का नाम है जिस पर पूरी कहानी लिखी गई है। तो एक तो कहानी में जिसका नाम दिया गया वो जंगली का दिया गया। जंगली कौन है? तो एक शिक्षित बेरोजगार है, एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा इंसान है जिसे कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुआ है, जो बेरोजगार है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और दूसरा इसका दोस्त अशोक का जिक्र है, लेकिन अगर आप कहानी के मुख्य पात्र को देखोगे ना, तो कहानी के मुख्य पात्र में एक तो जंगली की जिंदगी और उसकी माँ का उसके प्रति जो एक तरह से कहो तो उसकी माँ का उसके प्रति जो वेदना है, मतलब उसके बच्चे ने इतनी पढ़ाई लिखाई किया उसे नौकरी नहीं मिला, उसका जो दुख है वही इस कहानी में लेखक ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया। इस कहानी में, इस कहानी में प्रोफेसर विनोद कुमार ने एक पढ़े लिखे नवयुवक को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आती है, उस चीज़ों पर
इस कहानी को लिखा है और बिलीव मी बहुत ही अच्छा मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे अगर आप पढ़ लिख कर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो समाज में आपका इज्जत नहीं होता है, आपके दोस्त साथी आपका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे का महत्व, पैसे को महत्व दिया जाता है। इवन मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी इसका मजाक उड़ाया करते थे। इसके जो बड़े भाई मझले भाई जितने भी हैं इनकी, इसकी जो भाभियाँ थी परिवार में भी इसे इज्जत नहीं दिया जाता था। तो ऐसा है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो आपको समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा, आपके परिवार वाले इज्जत नहीं करेंगे, मोहल्ले के छोटे बच्चे तक आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके दोस्त साथी भी आपका साथ छोड़ देंगे, कोई आपको मदद नहीं करेगा। तो एक तरह से पूरे का पूरा तिरस्कार का जो दंश झेलना पड़ा इस जंगली को, क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिख के बेरोजगार रह गया था। तो आप लोग भी जो पढ़ाई कर रहे हो तो इस तन्मयता से पढ़ो कि आप लोग एग्ज़ाम निकाल लो, वरना देख लो ये जो कहानी है ना ये आप अपनी ज़िंदगी पे सोच सकते हो कि अगर आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया और अगर आप कोई अच्छा नौकरी नहीं ले पाए तो आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी। और वो देखो इस समाज के नहीं, ये कड़वा सच है कि अगर आप पढ़ लिख के कुछ नहीं बनते हो ना तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वही चीज़ को लेखक ने बड़ा ही सुंदर ढंग से कहानी में प्रस्तुत किया, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो मुख्य पात्र में एक जंगली और उसकी माँ है, आप समझ लो, दोस्त जो है अशोक है। ये बात मैंने बस ऐसे लिख दिया कि काल्पनिक तौर से कहानी में जिक्र किया गया है कि उसका एक मंझला भाई था जो प्राइवेट सवारी बस का एजेंट था और उसका बड़ा भाई था जो कलवरी में क्या था, बड़ा बाबू था। तो ये इतने लोगों का जिक्र हुआ है कहानी में। तो जिंदगी की डुवानी कहने का मतलब जिंदगी का संघर्ष, एक मनुष्य को जिंदगी में क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयाँ रही है, जिंदगी का रोना मतलब जिंदगी का दुख। तो जैसे ये जंगली का दुख है कि जंगली पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिला, इस कारण जो तिरस्कार का दंश उसे झेलना पड़ा है, जो उपेक्षाएं उसे झेलनी पड़ी है, उसी को लेखक ने इस कहानी में दर्शाया है। तो चलिए हम पहले मुख्य बातों को जान लेते हैं कहानी में, फिर हम देखेंगे क्या, फिर हम देखेंगे इस कहानी के आगे कि खोटा में हम कहानी को पढ़ेंगे फिर उसको अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए हम इस कहानी के मुख्य बातों को देखते हैं। तो देखो ये कहानी बेरोजगारी का वर्णन करता है। ये कहानी किसका वर्णन करता है, तो बेरोजगारी का। और वो भी एक शिक्षित व्यक्ति जब बेरोजगार रह जाए ना तो उसको किस तरह के मानसिक या फिर कहो तो सामाजिक तिरस्कारों का, मतलब कि उसके ऊपर जो तिरस्कारों का उसका दंश जो झेलना पड़ता है, तिरस्कारों की मार जो उस पर पड़ती है ना, उसका एक तरह का वर्णन किया है लेखक ने, प्रोफेसर विनोद कुमार ने, और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। देखो जंगली एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन बेरोजगार रह गया, तो माँ की चिंता दिखाई है लेखक ने कि माँ का दिल जो होता ममता से भरा होता है उसके लिए नौकरी चाहे कोई भी चीज़ उसके सामने कुछ नहीं है। उसे अपने बेटे की चिंता थी कि भाई पढ़ तो लिया नौकरी नहीं कर रहा है, उसे लोग उपेक्षित निगाहों से देखते हैं। तो लेखक ने बड़ा अच्छा ढंग से माँ का प्यार भी दिखाया है कहानी में, भाइयों ने जो उसे भैया और भाभियों ने उसकी जो उपेक्षा की उसको भी दिखाया है, उसके दोस्त ने उसकी पार्टी में किस तरह से उसे बेइज्जत किया या फिर कहो तो एक तरह से उसे साथ नहीं दिया, वो भी दिखाया गया कहानी में। तो ये सारे चीज़ों को बड़े अच्छे से समाही ढंग से लेखक ने लिखने का प्रयत्न किया है। सो मुख्य बात देखिए है कि ये कहानी बेरोजगारी का वर्णन करता है। दूसरा देखो, कहानी में कहानीकार ने बताया है प्रोफेसर विनोद कुमार ने कि जंगली बताता है कि एक मैं हूँ जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, पॉकेट में पैसा नहीं है, इस कारण कोई मुझे ठीक नहीं कहता है। ये कहानी से उठाया ही हुआ, कहानी को ट्रांसलेट करके मैंने ये मुख्य बातें हमेशा दे दिया करता हूँ ताकि कहानी का मेन निचोड़ सारा आपके पास निकल जाए। कहानी शुरुआत होती है जंगली से जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिला है, तो वो जो है उसके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं उसका जिक्र किया गया है, उसके समाज में जो तिरस्कार मिलता है उसका जिक्र किया गया है, माँ का जो उसके प्रति एक तरह से कहो जो चिंताएँ हैं उसको भी लेखक ने व्यक्त किया है। और अंतोगत्वा लेखक ने इस कहानी को बड़े अच्छे ढंग से खत्म करने का प्रयत्न किया है, लेकिन बहुत मार्मिक ढंग से, बहुत दुखद। आप जब इसका अंत पढ़ोगे उन कहानी का तो आई थिंक शायद आपको रोना भी आ जाए, क्योंकि माँ का जो ममता है ना उसकी प्रकाष्ठा दिखाई है कि मरते मरते भी उसको चिंता अगर थी उसकी माँ को तो सिर्फ बेटे की भलाई के, आने वाला समय उसका कैसा जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो जंगली सोचता है कि मैं हूँ जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, पॉकेट में पैसा नहीं है, इस कारण कोई मुझे ठीक नहीं कहता है। मैंने अपने घर में भी देखा है, माँ बाप भी काम करने वाले बेटे को प्यार करते हैं, हर जगह उनका सम्मान होता है। तो ये देखो ये रहा कड़वा सत्य, पहले हम पूरा पढ़ते फिर आपको बताते हैं। मैं तो अब पेंशन भोगी बनकर रह गया हूँ, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठाता हूँ, तरह तरह के सवाल जंगली के दिमाग में उस दिन उठ रहा था। एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि जंगली बैठे बैठे सोच रहा था
कि मैंने बीए की पढ़ाई कर ली, अच्छा ढंग से उसने कॉलेज पास किया था, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोजगार रह गया था। अगर वो बेरोजगार रह गया तो वो बताना चाह रहा है कि उसे किस तरह का उपेक्षाएँ झेलनी पड़ रही थी। परिवार में लोग उसे सिर्फ सामान जब मंगाना होता था ना बाहर से तो उसे लोग याद करते थे, लेकिन अच्छे से कोई बोलते नहीं थे। लेकिन जब उसे सामान मंगाना हो, जैसे बाजार से ये ला दो वो ला दो, तो उससे प्यार से बोला जाता था। लेकिन बाकी किसी चीज़ों में उसे ना तो उसकी राय ली जाती थी, ना उससे बोला जाता था, और ना ही प्यार दिखाया जाता था, चाहे वो भैया के द्वारा हो या उनकी भाभियों के द्वारा हो, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं था। तो बताना चाह रहे कि देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप पढ़ लिख के बेरोजगार रह गए ना तो आपके माँ बाप भी आपको सही से नहीं मानेंगे। मतलब माँ बाप भी काम करने वाले बेटी को प्यार करते हैं। अगर किसी घर में दो या तीन बेटे हैं, दो काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप का भी तवज्जो होता है, जो बेटा अच्छा कमाता है उसके प्रति प्यार और मोह स्नेह बढ़ जाता है। तो ऐसा लेखक ने कहानी में दर्शाया है। तो जंगली के बारे में बताया गया कि इसे नौकरी नहीं मिलती है तो ये क्या करता है कि जो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता है वो उठाता है। इसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं। फिर लिखा है कि जंगली पढ़ा लिखा था, इसको हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर दिखे। तो ये बोल रहा है कि जंगली पढ़ा लिखा था, घर भर में एकमात्र बीए पेट काट के बाप चाचा ने पढ़ाया था। मतलब जंगली को उसके बाप चाचा ने एक तरह से अपना पेट काट के पढ़ाया था। उसकी माँ ने उसका जो जेवर है अपना, हसली एक बोलते हैं, हसली एक तरह का जेवर है जो गले में औरतें पहनती हैं, उसे बेचकर अपना पेट काट कर जंगली को पढ़ाया गया था। आज वो पढ़ लिख तो गया था लेकिन बेरोजगार है। जंगली का बड़ा भाई कोलियोरी के ऑफिस में बड़ा बाबू है, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है, मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट है, वो भी मैंने बता दिया है। आईए में जब जंगली था तभी पिता का देहांत हो गया, माँ के ऊपर पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। बेचारी हंसली बेचकर के और दो भरी सोना के सिकरी बंधक धर के जंगली को पढ़ाने का खर्च पूरा की। एक उम्मीद था कि जंगली कमाएगा तब सब वापस हो जाएगा और जंगली का जीवन भी बन जाएगा। असल में कहानीकार ने बताया कि जब जंगली आईए में था ना तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था। मरने के बाद जंगली को पढ़ाया किसने? उसकी माँ ने। उसके लिए उसने क्या किया? उसके पास जो ज्वेलरी थी, जो कि हंसली था, उसे उसने क्या किया? बेच दिया था। और सिर्फ वही नहीं, दो भरी सोना भी था उसके पास, जिसे कि जंगली की माँ ने क्या किया था? बंधक रख दिया था, उसके बाद उसे पढ़ाया था। और उसे ये उम्मीद था कि जंगली जैसे ही नौकरी पर जाएगा तो सारा का सारा सोना या हंसली वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो, नौकरी के खातिर कहाँ ना आए दिल कर दरखास्त, कि अपने नौकरी के लिए कहाँ दरखास्त नहीं दिया और बहुत जगह कंपटीशन भरा। ठीक है, तो इसे ही बोला गया, 100-200 रुपया भी जुआरी नियर खिलाए दिलक, मुद्दा छेदामों से भेंट ना है। मतलब कि देखो, बहुत सारा वो फॉर्म भरा लेकिन किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन में एक दो बार बैठा, एक बार तो दरोगा कंपटीशन में पास भी हो गया, मुद्दा चांदी की जूता नजीक सब खखरी पड़ता। कहने का मतलब है कि देखो, नौकरी के लिए इसने बहुत सारे फॉर्म भरे, फॉर्म में भी पैसे जा रहे थे, आखिर वो खर्चित हो रहा था। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहा था कि यहाँ तो उसे छेदामों से भेंट ना है, मतलब कि उसे एक पैसा का लाभ नहीं हुआ था, और एक दो कंपटीशन हुए, अगर बैठ कर निकाला भी, दरोगा कंपटीशन को निकाला भी, पास भी किया था, तो मुद्दा के चांदी के जूता नजीक सब खकरी पट पाई। इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ करप्शन चलता है ना, जहाँ पैसे की आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ जो आपकी काबिलियत है वो दब जाती है। मतलब रिश्वतखोरी के सामने सभी योग्यता निराधार हो जाती है। यही बोलना चाह रहा था कि इसने कंपटीशन निकाला तो था लेकिन ये पैसा घूस नहीं दे पाया, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जंगली के साथ हो क्या रहा था कि माँ तो पॉकेट खर्चा इसे देती थी, लेकिन देते तो भी लाचार हो चुकी थी। उसके भी उम्मीदें टूट चुकी थी, क्योंकि बाकी दोनों बेटे अच्छे कमा रहे थे और वो देख रही थी कि जंगली धीरे धीरे अपने मन में खोया रहता है। तो माँ की उम्मीदें भी टूट रही थी, क्योंकि जंगली का जो उम्र था वो भी बीतता जा रहा था। जैसे कंपटीशन देने का एक एज होता है, जंगली का उम्र भी निकलता रहा था। तो माँ की चिंताएं उसके प्रति बढ़ रही थी, क्योंकि जंगली का नौकरी पाने का उम्र बीत गया था। अब देखो क्या होता है कि एक दिन जंगली की माँ उसको बोलती है कि तुम कुछ बिजनेस शुरू करो, बैठने से काम नहीं चलेगा, कम से कम ट्यूशन तो पढ़ाओ, तुम्हारा पॉकेट खर्चा तो निकले। तो वही यहाँ बताया कि ट्यूशन पढ़ाओ। जंगली ने कहा कि बिजनेस के लिए इतना पूंजी कहाँ है। माँ ने जब उसे कहा कि भाई तुम कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो ट्यूशन पढ़ा लो, तो वो बोलता है कि बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, मैं इतना पूंजी कहाँ से लाऊं, बैंकों का कर्ज ठीक नहीं, कर्ज लेने के लिए पैरियर कमीशन चाहिए होता है। तो देखो, इसमें लेखक ने समाज का जो एक्चुअल जो परिदृश्य है वो आपके सामने लाने की कोशिश की है,
कि चल क्या रहा है हमारे समाज में, कि हाँ कोई भी अगर एक कर्ज भी लेना है बैंक से उसके लिए पैरवी चाहिए होती है। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो जगह जगह सिफारिश है, घूस देना पड़ता है, तो समाज का जो कड़वा मुखौटा है उसे लेखक ने पेश करना चाहा है। तो यही बोलता है कि भाई कर्ज लेने के लिए पैरवी और कमीशन चाहिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर सकूँ। ठीक है, अब इस बात का उसके माँ के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब माँ जब उसे बोलती है तुम बिजनेस करो या ट्यूशन पढ़ाओ, तो बिजनेस के लिए बोलता है कि उसके लिए भाई पैसा चाहिए और हम लोन कर्ज कहाँ से उठाएं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैरवी है और ना ही कोई कमीशन देने के लिए पैसा है। माँ इस बात से चुप हो जाती है। अब जैसे यहाँ बताया गया, एक आपको बोला गया कि मुद्दा चांदी के जूताक नजीक सब खकरी पटपैर, कहने का मतलब रिश्वतखोरी के सामने योग्यता निर्धार होती है। वैसे ही एक और जो लेखक ने लिखा है कि भाइयों भौजाए के नजरे जंगली दूध में माछी रकम भेगेल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया और भौजी के जो नज़र में था जंगली दूध में माछी रकम, मतलब बेकार की वस्तु, दूध में मक्खी पड़ना मतलब बेकार हो जाना। तो भैया और भाभी के सामने भी जो जंगली का इमेज था वो क्या था, एक बेकार वस्तु के जैसा हो गया था। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा था लेकिन बेरोजगार था, एक रुपया नहीं कमाता था। तो इससे लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि देखो समाज में पैसा का महत्व तो किस स्तर तक बढ़ गया कि लोग अपने रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखना। जंगली सोचता है खराब दिन का कोई संगी साथी नहीं होता, जब पॉकेट में 4 पैसा रहता था तब 4 दोस्त हुआ करते थे, आज बेरोजगार हूँ तो मेरे दोस्त लोग भी मुझसे मिलने में शर्माते हैं। तो जंगली सोचता है कि देखिए जब दिन खराब होते हैं, जब आपका समय खराब चलता है ना, तो आपको कोई नहीं पूछता। और ये सच्चाई है, देखो ये जिंदगी की कटु सच है या कड़वी सच्चाई है कि जब आपका समय खराब चलता है तो आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके परिवार वाले ही आपका अपना साथ नहीं देते हैं। ये बात वो महसूस करता है, ऐसा वो इसलिए महसूस करता है कि वो अपने दोस्त के शादी में गया हुआ था, तो उसे लगा कि चलो प्यार से बुलाया तो चले जाता है, ऐसे वो कहीं जाता नहीं था। लेकिन वहाँ पे उसके भाई ने उससे बोला किसी बात पे, इसे जंगली को बोला कि तुम्हें कटसी नहीं आती है, तो वही उसे इस बात का बहुत चोट लगा उसके दिल में। और उसने निश्चय किया, कसम खाया कि अब हम किसी भी दोस्त मित्र के शादी में नहीं जाएंगे। उसके भाई ने उसे इसलिए नहीं बोला था कि उसे कटसी नहीं आता था, इसलिए बोला था कि वो बेरोजगार था, वो पैसा नहीं कमाता। तो इस बात का दुख उसके मन में बैठ गया था, इसीलिए बोलता है कि जब आपका दिन खराब होता है तो आपका कोई संगी साथी नहीं होता है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। अब देखो, अब जो कहानी को एंड किया है लेखक ने, प्रोफेसर विनोद कुमार ने, देखो कैसे एंड किया है कि आकाश में हल्का फुल्का बादल था, आज जंगली की माँ का हालत ठीक नहीं है, सभी भाई भौजाई खाटी से सट के उठंग के बैठे हुए थे, माँ का अंतिम समय चल रहा था, जंगली नज़दीक में ही बैठा हुआ। देखो होता क्या कि इसकी माँ बीमार पड़ जाती है, माँ का अंतिम समय आता है, माँ एक खाट पे लेटी हुई रहती है, सभी इसके परिवार के लोग माँ को घेरे हुए रहते हैं और जंगली भी वहीं बैठा रहता है। तो उसकी माँ जो है, जंगली अपनी माँ को देख के कपस रहा था, मतलब सिसक रहा था, ठीक है, उसे तकलीफ हो रही थी या कलप रहा था। तो उसकी माँ जो है जंगली को धीरे से बुलाती है अपने पास, उसके कान में बोलती है कि देखो मेरे पास 100 रुपया है, तुम इसे रख लो और तुम एक पान का दुकान खोल लो, अगर देवी माँ चाहें तो धीरे धीरे तुम्हारा दुकान तरक्की कर जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और ये बोल के उसकी माँ मर जाती है। तो देख लो यहाँ पे जो उसकी माँ, एक्चुअली क्या हुआ कि उसे पढ़ाई थी बड़ा पेट काट के, उसे उम्मीद था कि जंगली जो है एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, एक अच्छे नौकरी पर चला जाएगा, पर होता क्या कि उसे नौकरी प्राप्त नहीं होती, उसका उम्र निकल जाता है, बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं, और भाई और भौजाई जो उसके थे, भैया भाभी, वो लोग उसे सपोर्ट करते नहीं थे। तो माँ कहीं ना कहीं इस चीज़ से दुखी रहती थी, वो सोचती थी कि जंगली के आगे का जीवन कैसे कटेगा। अब भाई उसकी नौकरी नहीं हुई, लोग वेट कर रहे थे कि उसका नौकरी होगा तो उसकी शादी होगी, लेकिन उसका नौकरी नहीं हुआ तो उसकी शादी भी नहीं हुआ था। तो माँ उसके प्रति बड़ा चिंता में रहती थी। तो अंतिम में दिखाया गया कि जब माँ की स्थिति खराब हो जाती है, माँ मरने वाली रहती है, तो वो उसको बुला के बोलती है कि मेरे पास 100 रुपया है, तुम ले लो और तुम एक पान का दुकान, पान की गुमटी लगा लो और बिजनेस करो, अगर देवी माँ चाहेगी या फिर गांव की देवी चाहेगी, तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा और तुम भी अच्छा लाइफ जी पाओगे। क्योंकि वो मरने से पहले भी, देख लो माँ का दिल और माँ का हृदय देखो, कि मरते मरते दम तक वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ही सोचते रहती है। इसीलिए कहा जाता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज मदर्स लव। माँ का प्यार जो होता है वो सबसे सच्चा होता है, बिना मिलावटी का होता है, बाकी जितने भी प्यार हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं
कहा जाता है कि उसमें मिलावट होती है, लेकिन माँ का जो प्यार होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव आपको मदर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहानी ऐसी एंड होती है कि उसकी माँ मर जाती है, उसको 100 रुपया देती है और बोलती है पान का गुमटी लगा लेना और बिजनेस करना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छे से चल सके। क्योंकि इसके पहले देखो मैंने बताया था ना कि माँ तो पॉकेट खर्च, उसका पॉकेट खर्च कौन दे रहा था, नौकरी में नहीं था पर उसका पॉकेट खर्च को माँ ही देती थी। लेकिन अब वो सोची कि अब हम तो मर जाएंगे, भाई और जो इसके भाभी हैं वो कुछ इसे मदद करने नहीं वाले हैं। तो माँ ने उसे 100 रुपया दिया और बोला पान की गुमटी लगाओ, बिजनेस को बढ़ाओ, गांव की देवी चाहेगी तो बिजनेस बढ़ जाएगा। और इस तरह से कहानी खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे खोटा में देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप ये चित्र देख लो ताकि चित्र देख के आपको समझ में आ जाए कि पूरी कहानी है क्या। देखो मैंने इस पूरी कहानी को इस चित्र के रूप में आपको दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा है। इस कहानी को चित्र से आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। एक बार आप लोग चित्र देखो फिर हम खोटा में कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता देंगे। कहानी की मुख्य बातें तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, देखो यहाँ इसमें मैंने क्या दिखाया, इसमें मैंने दिखाया कि देखो बड़का भाई प्राइवेट बस एजेंट, सॉरी ये बड़का भाई जो होगा एजेंट नहीं होगा, ये बड़ा बाबू है ना, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, बड़ा बाबू होगा, कोयलवरी में बड़ा बाबू था। ठीक है, इसे आप देखना, बड़का भाई जो था बड़ा बाबू था, मंझला भाई जो था प्राइवेट बस एजेंट था। ये देखो यही हंसली होता है, इसको एक बार ढंग से देखो, ये देखो यही हंसली है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो यही हंसली होता है, ये गले में पहनने की एक ज्वेलरी है जिसे लेडीज लोग पहनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया, ये इसकी माँ है, जंगली की माँ है, ये जंगली है जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, नौकरी के लिए बहुत आसानवी था लेकिन इसे मिलता नहीं है। इसने एक बार पुलिस का एग्जाम निकाला था लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से इसे इसमें इसका चुनाव नहीं हुआ था, वो मैंने बता दिया। यहाँ मैंने बताया देखो कि नो जॉब नो मनी नो ट्रू फ्रेंड्स नो रिस्पेक्ट स्टिल होपिंग फॉर ड्रीम्स। तो पूरी की पूरी आप समझो ना, तो ये जो पिक्चर है अगर आप ये इस लाइन को पढ़ पा रहे हो समझ पा रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप इस कहानी को समझ जाओगे। वैसे इंग्लिश में है पर मैंने इसे दिया है, आप इसको समझोगे। देखो अगर आपके पास जॉब नहीं होगा ना, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी में चूक जाते हो ना, देखो क्या होगा, आप जब कंपटीशन के लिए उतरे हो ना तो पूरा जी जान लगा के तैयारी करो। अगर आपने एग्जाम में आपसे कोई भी कसर रह गई, कहीं भी आप चूक गए और आपकी नौकरी नहीं हुई ना, तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार की हालत होती है जिसका चित्रण विनोद कुमार ने किया है, प्रोफेसर विनोद कुमार ने, आपकी भी हालत जंगली जैसी हो जाएगी। नो जॉब नो मनी, अगर नौकरी नहीं तो पैसे नहीं है, ना ही कोई आपके ट्रू फ्रेंड्स, कोई आपके सच्चे मित्र नहीं होंगे, कोई आपको इज्जत नहीं देगा, नो रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इंसान जिंदगी में जो भी करता है ना वो रिस्पेक्ट के लिए करता है। और स्टिल होपिंग फॉर ड्रीम्स, तो जंगली का जो जिंदगी था ऐसे चल रहा था कि वो आशा से भरा तो हुआ था कि ठीक है हम कुछ करेंगे, लेकिन एग्जाम निकाला तो वहाँ भ्रष्टाचार की कहानी आ गई और बाकी उसका कुछ हो नहीं रहा था। सो ये चीज़ बताता है कि जंगली परेशान था, क्यों, उसके पास नौकरी नहीं था, पैसे नहीं थे, उसके दोस्त संगी साथी उसे पूछ नहीं रहे थे, उसके घर में कोई इज्जत नहीं मिल रहा था। ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको सही से देख पा रहे हो तो माँ जो है बेड पे लेटी हुई है और जंगली जो है ये जंगली रहा और ये जो है इसकी माँ। अगर आप तो दिख रहा होगा क्योंकि पिक्चर ऐसा मुझे मिला नहीं पर आई ट्राइड माई बेस्ट। तो जंगली की माँ जो है उसके बगल में जंगली बैठा हुआ है, उसे बुलाती है और बुला के 100 रुपये देती है, बोलती है मेरे संदूक में 100 रुपये उसे ले लो, तुम लेके एक पान का दुकान खोल लो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छा हो सके। यहाँ मैंने लिख दिया है कि जंगली की इज्जत परिवार भैया भाभीियों के बीच क्या था, जंगली की इज्जत परिवार में भैया भाभीियों के बीच क्या था, जीरो था। जीरो कहने का मतलब लोग इसे नहीं, मैंने बोला कि दूध में मक्खी के जैसा समझते थे, मतलब बेकार की वस्तु समझने लगे थे उसे। ठीक है, उसे बेकार समझने लगे थे। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, बड़का भाई क्या था, बड़ा बाबू था, मंझला भाई प्राइवेट बस एजेंट, ये माँ ने अपना हंसली बेचा था उसे पढ़ाने के लिए और कुछ गहने ही बंधक रखे थे। ये उसकी माँ है जो चिंता में रहती है, मरते वक्त उसे 100 रुपया देती है ताकि वो पान का दुकान खोल सके। जंगली भ्रष्टाचार के कारण SI में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैंने बताया कि परिवार में इसका इज्जत था नहीं। ठीक है, अब चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं और हम देख लेते हैं। अब बस मैंने बहुत सारी मुख्य बातों को अच्छे से डिस्कस कर दिया, तो बस हम इसे पढ़ेंगे और निकलते जाएंगे आगे। ठीक है, इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से दिखे। चलिए हम पढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग। से दिन अंधेर के बिरा रहे, चराई चिनगुन कर कांव पेच, ललकवारी हवा संगे मिसाई के वातावरण के सुंदर बनाई दिल रहे। जंगली अपन घरे के ओसरा में बैसल
सोचे खेलक यदि ओहो कोनो चिड़ै रहतल। ये देखो बोल रहा है कि सुबह का समय था, जो चिड़िया उड़े चहचहाते हैं ना, चर चिड़ी कहने का मतलब चिड़िया पंछी जो चहचहाते हैं, वो हवा मिलके उनका जो ध्वनि हवा मिलके बड़ा अच्छा मतलब उसको सुंदर बना दिया था वातावरण को, जो समय था, जो सेंसिक ब्यूटी जो डिस्क्राइब करना चाहे विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार जी, उस समय का जो वातावरण था उसे सुंदर बना दिया था। कैसे सुंदर बन गया था वातावरण? तो जो चिड़ियों की चहचहाट थी हवा मिलके उसे, उस समय का जो वातावरण था उसको मनमोहक बना दिया गया था। और जंगली अपने ओसरा, ओसरा कहने का मतलब जो आपका बगल में जगह होता है घर के बाहर का जगह, या फिर बोलो तो आंगन के पास का जो स्पेस होता है, वहाँ बैठ के सोच रहा था कि अगर वो भी कोई चिड़ै होता तो, अगर वो भी कोई पंछी होता तो। फिर आगे देखना, यहाँ से आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे के पड़े के बदतर मिलते रहे हैं, मुदा आइज आदमी प्रकृति गोड़ा धाइर संग चलता, ककन फुर्सत हेवे हैं इनकी तीनों तनी बोनो झाड़ देने टहलुआ करता, बस पैसा कमाई का आलाई हैं। देखो ये बोल रहा है कि आदमी को प्रकृति से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को पढ़ने को मिलते रहता है, आदमी को हमेशा प्रकृति से कुछ सीखने पढ़ने का समय मिलते रहता है, ये बोल रहा है। लेकिन आदमी कब प्रकृति के साथ, कब प्रकृति के पैर को पकड़ के चलना सीखा है, उसके पास फुर्सत कहाँ है जो थोड़ा सा जंगल की तरफ जाकर टहल ले घूम ले, वो तो बस पैसा कमाई आलाइते नहीं, बस को पैसा कमाने आता है। ये तो पैसा कौड़ी की दुनिया लागे, ये तो पैसा कौड़ी की दुनिया लगता है। एक हाम, अब देखो एक हाम, यही जो मैंने मुख्य बातें यहाँ से स्टार्ट करी थी कि एक हाम ही जे बीए पास करला के बाद हो नौकरी खातिर भटकल बोले ही। एक हम है जो बीए पास करने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नखे पॉकेट पैसा जो कौनो हमारा बेस कहता, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है जो कोई हमें अच्छा कहे, मतलब अच्छा किसे कहा जाता है आज के समाज के परिवेश में, जिसके पॉकेट में पैसा होता है, ठीक है। आपन घरे में कई बार देख ले रही, माइयो बाप कमास बेटा ले कते दुलार करे हत सगरे ओकर माइन। ये बोला है कि हम तो अपने घर में देखे हैं कि जो कमाने वाला बेटा है उसको दुलार जो होता है, किसे दुलार किया जाता है, जो कमाने वाला बेटा होता है, कमास बेटा मतलब जो कमाता है उसी को दुलार किया जाता है, सगरे ओकरे माइन सब जगह उसी को माना जाता है। हमार ठीन की है बस आओ तो पेंशन भोगियो, बेरोजगारी भत्ता ले भैया हो ही गेलू। बोला मेरे पास क्या है, हम तो बस जो शिक्षित बेरोजगारी का भत्ता है उसे उठा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठाए रहा लो तो वही बता रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो पढ़ा लिखे से नौकरी मिली नहीं, तो ये जो गवर्नमेंट का पेंशन है, पेंशन भोगी कहने का मतलब जो लोग पेंशन प्राप्त करते हैं उसी में शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठा रहा था। रकम के सवाल जंगलिया के दिमागे उठल रहे से दिन। उस दिन जिस दिन ऐसा वातावरण चल रहा था, सुबह का समय था, उस दिन जंगली के दिमाग में बहुत प्रकार के रकम बहुत प्रकार के सवाल जंगली के दिमाग में उठे हुए थे। किस दिन? इस दिन जिस दिन सुबह था, चिड़िया चहचहा रहा था, वातावरण को मनमोहक बनाया जा रहा था, ठीक है। अब देखो, जंगली रहे पढ़ा लिखल घर बैठ में एक एक बीए। जंगली पढ़ा लिखा था और घर भर में एक ही व्यक्ति था जो बीए किया हुआ था। आगे देखना, यहां से पेट काट के होकर बाप पितिया पढ़ोल थीन, आज पढ़ लिख तो लेलक मुद्दा नौकरी नदारत। बोला पेट काट के उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया था, वो पढ़ तो लिया था लेकिन नौकरी उसके पास थी नहीं, ठीक है, नौकरी नदारत। यहाँ तक बताया, आगे यहाँ से देखना। अब बोल रहा है कि जंगली के बड़का भाई कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहत, मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल, आइए में जंगली हेलक तखने होकर बाप सिराई गल थी, माई पर पढ़ावे के बोझा बेचारी घेचाक हंसली बेची और दू भय सोना सिकरी बांधाई के धाइर जंगली के पढ़ावे के खर्चा पूरा कर ली। ये बोल रहा है कि देखो जंगली के जो बड़े भैया थे वो कोलियरी में बड़े बाबू थे, मंझला भाई प्राइवेट बस करना का एजेंट था। अब जब ये आईए में था तो जंगली के पिताजी तखने होकर बाप सिराई गलती, सिराई गलती मतलब मर गए थे, ठीक है, कब? जब ये आईए में था। अब उसके पढ़ाने की जिम्मेदारी किस पे आई? माँ पे आई। माँ ने क्या क्या किया? अपने गले का जो हंसली होता है, जो मैंने ज्वेलरी आपको दिखाया था, ये देखो ये जो है ये हंसली है, एक तरह का ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, चांदी का भी होता है, सोना का होता है, पहले चांदी का ही हुआ करता था। तो ये बोला उसने हंसली और दो भर सोना, ये दोनों को बंधक रख के उसे पढ़ाया, जंगली को पढ़ाया, खर्चा पूरा किया, ठीक है। अब आगे देखो, एक आस रहे कि जंगली कमातक तकनी सौप घूर जाइत और जंगली जिंदगी बन जाइत, मुद्दा ई का एक उम्मीद था कि जंगली पढ़ लिख लेगा कमाएगा तो भाई सब कुछ लौट जाएगा, ये जो हंसली और ये जो दो भर सोना ये रखी थी इसकी माँ वो भी लौट जाएगा,
लेकिन हुआ क्या, बेचारा कहाँ नाजू दिलक दरखास्त नौकरी खातिर, वो अपना कहाँ नहीं दरखास्त नौकरी खातिर दिया। आगे देखो, 100-200 ओकरा में जुआड़ी नियन खिलाइक दिलक मुदा छेदामों से भेटना ही। ये बोल रहा है कि बेचारा कहीं कहाँ नहीं अपनी नौकरी के लिए दरखास्त दिया, 100-200 रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन हुआ क्या कि छेदामों से भेंट निकालने का मतलब उसके कोई भी ऐसे नहीं होता है कि चलो मूल दिए, मूल नहीं निकला तो शुद्ध ही निकल जाए, कुछ तो निकल जाए, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, आगे बोल रहा है, कंपटीशनों बैसल 2-3 बेर, एक बेर तो दरोगा के कंपटीशन पास हो गए लग रहे, मुदा चांदी के जूता नजीक सब खोखरी पट पैर। ये बोल रहा है कि भाई एक बार तो दरोगा कंपटीशन को निकाल भी लिया, लेकिन मैंने इसके बताया था कि जैसे ये जो है कि मुदा चांदी के जूता नजीक सब खोखरी पट पैर, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे करप्शन भ्रष्टाचार आता है वहाँ पे आपकी योग्यता दब जाती है, मतलब पैसे के आगे योग्यता कोई मोल नहीं रह जाता है। अब यहाँ से देखो, माई तो पॉकेट खर्चा और हेन तेन खर्चा देते देते आजीज हो गई थी। मतलब आजीज मतलब क्या होता है कि एक तरह से थक जाना, तंग हो जाना। माँ जो है उसे पॉकेट खर्चा दे दे के आजीज हो जाना किसी चीज़ से। आप जैसे मान लो बच्चा बदमाशी कर रहा है, आप उसके बदमाशी से आजीज हो गए हो, इतना परेशान करता है, तो मतलब एक तरह से तंग हो जाना या परेशान हो जाना। तो उसकी माँ जो है उसे पॉकेट खर्चा दे दे परेशान हो गई थी। उनका आसरा तो औरों टूट गलन जखन जंगली के नौकरी पावे की उम्र पार हो गलक। माँ का तो आसरा और टूट गया कब, जब उसका जंगली का जो नौकरी पाने की उम्र था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। चलो यहाँ देखना, माइयो घूमे रहे हिल थी, फिक्रे ओनो पानी बाहर दिल थी, एक के बात रही उनकर मुंड पर, जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हाई गेल है, तीन भाई में यह सबले हीन है, काइल का है तक जखन तीनों फरक फरक हो जाता। देखो, माँ के दिमाग में एक ही बात चलते रहता था, उसके दिमाग में एक ही बात चलते रहता था कि जंगली पढ़ लिख के बेकार हो गया, आज तो ठीक है हम जिंदा हैं, हम इसे पॉकेट खर्च दे रहे हैं, लेकिन कल जब तीनों भाई अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बोला कि सबले हीन है, मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, काइल का है था, कल क्या होगा जब तीनों फरक फरक। अब भाई हर भाई में हर घर में बंटवारा तो होगा, अब जब आज तो मान लो सब कोई साथ है, उसका खाना पानी चल जा रहा है या हम पॉकेट खर्चा दे रहे हैं, कल क्या होगा जब तीनों भाई अलग अलग हो जाएंगे। बिहो शादी ना कर पारलू, जंगली कहे हेलमाई नौकरी धरा ले, ब्याह कर ले बेस होता, परिवार लाने के पहले कछु जुगाड़ चाहिए, मुद्दा अब का हो तक ना भेल नौकरी ने भेल ब्याह। अब बोल रहा है उसका शादी का, जब हम लोग बात किए तो बोलना था किसका, जंगली का, कि माँ अगर कुछ कमाने का जुगाड़ होता तो शादी करना अच्छा होता, लेकिन अब क्या, अब तो उसके नौकरी हुई नहीं, तो ना ही नौकरी हुआ, मुद्दा अब का हो तक, अब क्या होगा, ने भेल नौकरी ने भेल ब्याह, ना ही नौकरी हुआ ना ही शादी हुआ, आज हमरो हालात दिनों दिन खराब होवे लागल है। अब उसकी माँ बता रही है, चूँकि वो भी तो बूढ़ी होती आ रही थी, तो वो बता रही कि मेरा भी हालत जो है दिन ब दिन खराब होते आ रहा है। अब देखना आगे, यहाँ से एक दिन माई जंगली के हकाए के कही दिल थी कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसल से काम ना है और ना तो टिशनी पढ़ाओ। जंगली ठाड़ होकर माए के वचन सुनलक और आखिर में माए के कहलक, माए कहाँ पाबो पूंजी जे बिजनेस करब, बैंकों के कर्जा ठीक ना हो, कर्जो निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पा रहे है, हमर लयाकतों ने खे जे 10-20 हज़ार रुपये जुगाड़ कर ले, कोनो जवाब ना रहे माठी ने। देखो होता क्या है कि उसकी माँ एक दिन उसको बुला के बोलती है, हकाना मतलब होता है बुलाना, हकाना मतलब क्या होता है बुलाना, तो माँ उसकी बुलाती है उसे और बोलती है कि बेटा कुछ बड़ बिजनेस करो, ठीक है, या फिर ट्यूशन पढ़ाओ। तो जंगली खड़ा होकर पहले माँ का बात सुनता है, फिर माँ को बोलता है कि भाई बिजनेस के लिए पूंजी कहाँ से मिलेगा हमको, बैंक से अगर हम कर्जा भी लेने जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी चाहिए पैरवी मतलब पैर भी, और कमीशन देना पड़ता है, हमारा लायक तो नहीं है, मतलब इसका ना तो कोई सिफारिश है और ना ही औकात है, ठीक है, कि इसे 10-20 हज़ार रुपया कोई जुगाड़ कर पाएगा। अब इस बात का उसकी माँ के पास कोनो जवाब ना रहे माए ठीन, माए के ठीन, ठीन मतलब क्या होता है पास, तो उसकी माँ के पास इस बात का कोनो जवाब नहीं था जो अभी इसके जंगली ने माँ को कहा था। अब आगे देखना, बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई की नज़रें दूध में माछी हो गए, मतलब ये जो बेरोजगार जंगली था, ये जो जंगली बेरोजगार रह गया था, उसने भाई और भौजाई की नज़र में भी दूध में माछी के समान, मतलब दूध में मक्खी के समान हो गया था, एकदम बेकार हो गया था। भैया भौजी से बतिया तकनी मखमली बोली और हवे
जंगली से बतिया तखनी मरचाई लहरल बोली। अब देखो ये क्या बता रहा है कि उसके भैया जब भाभी से बात करते थे ना, तो बड़ा मखमली बड़ा प्यार से अपनी पत्नी से बात करते थे, ठीक है, जैसे शहद में लिपटा हुआ बात होता था। लेकिन जैसे ही वो जंगली से बात करते थे तो ऐसे बात करते थे जैसे उसके उनके मुंह में कोई मिर्चाई रख दिया हो, मतलब तीखा बोली बोलते थे, कहने का मतलब कटु बात बोलते थे। हाँ, जखन कोनो काम करावे के हेतक तखनी बजका मिश्री घोरल तरी हेवे भौजी के वह हाल रहे, गोड़ में तनी धूल ना लागे के चाही, घंटे घंटे चाह चाही, कदियो पूछवो ना करत। ये बोल रहा है लेकिन जब काम करवाना होता था किससे, जंगली से, हाँ जखन कोनो काम करावे के तक जब कोई काम करवाना होता था तखनी बजका मतलब अच्छा तरह से मिश्री में घोला हुआ वैसे उसकी भौजी उसको बोलती थी। अब भौजी करती क्या थी, तो भौजी बिल्कुल नहीं चलती थी, पैर में धूल नहीं लगना चाहिए और घंटे घंटे उसको चाय चाहिए, किसको, उसकी भौजी को, कधियो पूछवो ना करत, और इतना जल्दी जल्दी वो चाय पीती थी घंटे घंटे, लेकिन कभी इससे जंगली से पूछा नहीं आता था कि हाँ एक कप तुम भी चाय पी लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो कदियो पूछवो ना करत कि जंगली चाय पीबा, कभी जंगली से पूछती नहीं थी कि जंगली चाय पियोगे, बस काम घरी जंगली की याद हेवे हैं, जब काम होता था तभी जंगली को याद किया जाता था। अब आगे देखो, यहां से जंगली हाटेंजा फलना सौदा किनो पार, तो इतने नाए हकावे हती जंगलिया, कही के ए जंगलिया डाके लागे है ठीन, वैसने जिसने कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाहे फलना हाजिर हो। देखो जंगली का जो दुख था ना वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ था। ये बोल रहा है कि देखो चलो इज्जत नहीं देते हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि चलो तुम तीखा बोले ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे कैसे बुलाते थे, इसको ए जंगलिया करके बुलाते थे। तो वो बता रहा है कि बुलाया भी हमको ऐसे आता था, मतलब सही ढंग से लोग इसको बुलाते भी नहीं थे, नाम था जंगली, बुलाया था जंगली, और ए जंगलिया करके डांके लागे है, डांकना मतलब क्या होता है, बुलाना। तो उसे ऐसे बुलाया जाता था जैसे कि कचहरी में मुजरिम को, नहीं जज साहब जो कठहरे में मुजरिम होता है उसको नहीं बुलाया जाता कि ये मुजरिम हाजिर हो, तो जिस तरह से मुजरिम को बुलाया जाता है वैसे ही इसे घर में लोग बुलाया करते थे ए जंगलिया करके। सो ये बेचारा को इस बात का भी तकलीफ था कि मुझे तो ऐसे बुलाया जाता है जैसे मुजरिम को फलना हाजिर हो कोर्ट में जैसे बुलाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखना, यहां से कत्ते सुथर नाम है जंगली, माने कि जंगल में रहने वाला बुधगर गिनगर ज्ञानगर गवार ना। ये बोला जंगली कितना अच्छा नाम है, जंगली सोच रहा था कि जंगली कितना अच्छा नाम है, जंगली बड़ा मनमोहक नाम है, जिसे जंगल में रहने वाला जीव जो होता है जो ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन जंगली का मतलब ये नहीं है कि गंवार, ठीक है, तो वही बता रहा है। मुद्दा कहे हतीन कोई जंगली बुझे पारला असली माने, कत्ते सुथर नाव के बिगाड़ के राख दिलथिन, मने के कहत जंगलिया गंवार बोका। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे इसने बताया कि इसे लोग घर में बड़े खराब तरीके से बुलाया करते थे, जंगलिया कह के। तो ये पहले तो बताता है कि ये तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कोर्ट में मुजरिम को नहीं बुलाया जाता है वैसे बुलाते हैं। भाई जंगली कितना प्यारा नाम है, इसका मतलब वो है जो जंगल में रहने वाला है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, बुधगर मतलब बुद्धि वाला, ज्ञानगर मतलब ज्ञान वाला, गंवार नहीं, लेकिन हमको ऐसे बुलाते हैं जैसे मेरे नाम का मीनिंग क्या है कि इतना सुथर नाम मतलब अच्छा। ये बोला बुझे पारला असली माने, मतलब जंगली का असली माने किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना सुंदर नाम को बिगाड़ दिया और राख दिलतीन क्या रख दिया, तो जंगलिया कहने का मतलब वो लोग समझते थे जंगली गंवार बोका, ठीक है, मतलब मूर्ख बेवकूफ। तो वो जिस हिसाब से बुलाते थे जंगली को लगता था कि इन लोग मेरे नाम का अर्थ क्या समझता है, तो भाई गंवार और बोका ही समझता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब बोल रहा है जखन जंगली घर से बाहर निकल तक चंगवाइन तनी चौले कहत, बुढ़वा दादा देखा रे बुढ़वा दादा जा लागल है। देखो अब जब ये घर से बाहर निकलता तो ऐसा नहीं था घर ही में इसकी बेइज्जती हो रही थी, जंगली का बेइज्जती प्रचुर मात्रा में सब जगह हो रहा था। तो अभी आप लोग भी समझ लेना कि अगर आप लोग एग्जाम नहीं निकालोगे ना तो आपकी बेइज्जती कहाँ कहाँ होगी, इसलिए एग्जाम में जान लगा देना है, वरना सोच लो जंगली से इसका जंगलिया हुआ तुम लोग का नाम क्या देख लेना, वैसे ही चेंज होगा। तो जखन जंगली घर से बाहर निकलता, ये बोला कि जब जंगली घर से बाहर निकलता था तो चंगवाइन मतलब
बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो मोहल्ला में दौड़ते कूदते रहते, तो उन लोग भी इसका मजाक उड़ाता था, मतलब इसकी ज़िंदगी गजब हो गई थी भाई। तो वो जो बच्चे थे वो भी इनका मजाक उड़ाते थे, बोलते देखो बुढ़वा दादा आ रहा है, ये बुढ़वा दादा इसे बोलते थे। अब ये तो नवयुवक था, ये तो जवान ही था, लेकिन इसे लोग बूढ़ा बूढ़ा बोलते थे, बुढ़वा दादा बोलते थे कि देखो बुढ़वा दादा आ रहा है, बुढ़वा दादा जा रहा है। तब जंगली जो था ना, तखनी जंगली मूर के जाहे मुंडे के केस टमड़े लागे है, मने मन कहे है हाँ रे चेंगवाइन, 30 बरिस के बूढ़ा 30 बरिस के बड़ा ही है, पड़ पौसी। एक सेकंड को देखने तो मुझे क्या लिखा हुआ है। हाँ, मने मन कहे, यहाँ से देखना, मने मन कहे है हाँ रे चेंगवन, 30 बरिस के बूढ़ा ही पड़पौसी, कही लाए तोहनी तोहनी को नौकरी ना भेटले, मारल फिरल चलबे हमरे नियर, अभी रीर का समय हो तोहनी के, सोचते पागल हो जाता के जंगली। अब देखो क्या है कि जब बच्चे से चिढ़ाई करते थे ना बूढ़ा दादा, या फिर बूढ़ा आया बूढ़ा गया ऐसा बोल के, तो उसे तकलीफ होता था, वो मुड़ के उसके दिमाग में एक बात चलती रहती थी, और वो बोलता था बच्चों लोगों को कि ठीक है अभी 30 के उम्र में तुम मुझे बूढ़ा बुला रहे हो, कल तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम लोग पढ़ लिख लोगे ना, यहाँ बोला है कि कल कही लो तोहनी, कह लो तुम लोग तोहनी को नौकरी ना भेट ले, तुम लोग को भी अगर नौकरी नहीं मिला तो मारल फिरल चल बे हमरे नियर, मतलब घूमते फिरते ऐसे ही बेरोजगार घूमते फिरते चलोगे, तब जो है तुमको पता चलेगा जो तुम हमको चिढ़ा रहे हो, अभी तुम लोग का अच्छा समय चल रहा है। और ये सोच के जंगली के दिमाग में, जंगली मतलब ये पागल हो जाता था इस बात को सोच के, ये बोल रहा है कि अभी रीर का समय हो तोहनी के, सोचते पागल हो जाता है जंगली, इस बात को सोच के वो मतलब इसका दिमाग खराब हो जाता था। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है, कॉलेज का जो उसका समय था उसको याद करके वो कल्पता है, मतलब कि सिसकता तड़पता है, कहाँ गए वो सब सौंगे साथी, खराब दिने कोई संगे साथी ना है, जखन पॉकेटे 4 गो पैसा रहे हेल तखन 4 गो संगी साथी रहे हेल। बोला कि अब वो सब संगी साथी मतलब यार दोस्त कहाँ चले गए, वो कॉलेज के जो अच्छे मित्र थे वो सब कहाँ चले गए, आज कल तक जब पॉकेट में 4 पैसा रहता था तो भाई सब दोस्त यार थे, आज मैं नहीं कमा रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तो आज सब संगी साथी मतलब दोस्त यार सब कहाँ चले गए, कोई नहीं है, ठीक है, आज बेरोजगार ही तब हमार संगियों हमार से मिले में लज्जा है। ये बोल रहा है कि आज हम बेरोजगार हैं, हम नहीं कमाते, तो हमारे दोस्त यार जो हैं हमसे मिलने में शर्माते हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक बेरोजगार के वो दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ लज्जा है। एक बेर, अब यहाँ से देखना, एक बेर याद है अशोक के बिया घरे गेल रही, एक बार उसे याद है कि अशोक के शादी में वो गया था, हाथ छूछे रहे मतलब हाथ खाली था, क्योंकि भाई कमाता नहीं था तो खाली हाथ कोई गिफ्ट लेके गया नहीं होगा, मुद्दा साथी के प्यार हवा तैक ले गेल, भाई साथी से प्यार था, प्यार के नाम पे वो चला गया था, क्योंकि दोस्त है वो बहुत मानता है प्यार करता है, उसका अच्छा दोस्त था तो चला गया था। गेला के बादे, यहाँ से देखो, गेला के बादे खाई पिए की पुछाइर तो भेलक, मुद्दा ऊ ललक नाए जे संगी साथी में रहे है। बोला जाने को इसे खाने पीने के लिए पूछा तो गया, लेकिन वो जो पूछने में जो प्यार होता है ना, जो अपनापन होता है, उसे वो ललक वो नहीं दिखा, वो जो प्यार अपनापन था वो उसे नहीं दिखा। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छूछा, अशोक जो था उसका मित्र बड़ा नौकरी कर रहा था और ये खाली था बेरोजगार था, सेहे पाइज के हमरा सुना के ओकर बड़ भाई कही देलथिन, जंगली एकदम जंगली है कटसी नहीं जानता है। बोला इसीलिए, चूंकि अशोक एक अच्छे नौकरी पे था और हम कुछ नहीं कर रहे थे, यही इसीलिए अशोक का जो बड़ा भाई था वो इसको सुना के कहा कि जंगली एकदम जंगली है कटसी नहीं जानता है, ये बात हमार करेजाम लगलग, ये बात उसे कलेजे में लग गया, से मने कहल कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू, सहले कटसी ना जानी हम, बस और का कहीं संगी साथी के घर ना जाए के क्रिया खाई ले लूँ। ये बोला जब उसके शादी ब्याह में गया था, अशोक के शादी ब्याह में, तो ये प्यार से प्यार मोहब्बत सोच के चला गया था कि चलो दोस्त है हम लोग के बीच में उतना अच्छा रिलेशन है, लेकिन जब वहाँ गया तो खाने पीने के लिए से पूछा तो गया, लेकिन उसमें उसे अपनापन नहीं दिखा। और ये बताता है कि अशोक का जो बड़ा भाई है ना, उसने अशोक के सामने इसे बोला कि जंगली एकदम जंगली है, उसने क्या कहा कि जंगली एकदम जंगली है, इसको कटसी नहीं है। अब ये जो बात था ये जंगली के कलेजे में लग गई, ये उसके दिल में ये बात लग गई चोट की तरह, वो बोलता है हाँ ठीक है हम 10-20 रुपए का गिफ्ट नहीं दे पाए, इसलिए तुम हमको बता रहे हो कि हमको कटसी नहीं आता है, तो उसके बाद बस और का अब गया था
कहीं संगी साथी के घर ना जाए के क्रिया खाई ले लूँ। अब वो कहीं संगी साथी किसी दोस्त यार के घर नहीं जाने का कसम खा लेता है। अब देखो कहानी एंड कर रहे हैं लेखक किस तरह से। आकाश से तनी तनी बदली छितराइल रहे, आकाश में थोड़ा थोड़ा बादल फैला हुआ था। आई जंगली के माई का हालत ठीक ना है, आज जंगली की माँ का हालत ठीक नहीं था। सब भाई भौजाई खाटी संग उठाई के बैसल रहत, सब जो उसके भैया भाभी थे, वो जो माँ जिस खटिया पर लेटी हुई थी बीमारी स्थिति में, उससे उठंग के मतलब सट के बैठे हुए थे सहारा लेके। माए अब पर तब हेली, माँ जो थी अब की तब हो रही थी, मतलब उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक और गंभीर थी। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माई के मुंह देख के कब से हिलक। अब जो जंगली था ना, ठावे मतलब पास में या फिर बोलो तो नज़दीक में, तो जंगली जो है पास में या नज़दीक में बैठ के अपनी माँ को टुकुर टुकुर गौर से देखते हुए कपस रहा था, मतलब सिसक रहा था, दुख हो रहा था, उसे वेदना हो रही थी। ऊ हालाइते माए जंगली की दशा पर भितरे भितरे कल्पे हिले। अब उस स्थिति में भी उसकी माँ जो है उसके बेड पे है, मरना सन्य कंडीशन में है, मरणासन्य अवस्था में है, लेकिन अभी भी वो जंगली के हालात को देख के उसकी माँ जो है अंदर से कलप रही है, तड़प रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जंगली वो जानती थी कि भाई मेरे मरने के बाद जंगली को पॉकेट खर्च भी कोई नहीं देने वाला, भैया भाभी तो पूछ नहीं रहे, इसकी ज़िंदगी क्या होगी, वे तो बेरोजगार रह गया, इसका शादी ब्याह भी नहीं हुआ है। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं माँ का जो मन और विचलित हो रहा था, जबकि वो खुद मरने की कंडीशन में थी, मरने की अवस्था में थी। तो इसीलिए कहा जाता है ना, मैंने बोला ना कि माँ का प्यार इतना प्योर होता है कि मरते वक्त भी उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, अपने बेटे की चिंता थी। अब आगे बोल रहा है, माए के ममता जागलक कोशिश करके कहे पार्लिक, जंगली बेटा अब हम जा ही रहे लियो। अब देखो अभी जो चित्रण किया ना विनोद कुमार जी ने, अब ये जो दो तीन लाइन लिखा है ना, ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है। ये अगर आप सच में पढ़ोगे तो ये सच में कुछ ऐसा चित्रण है जिसे पढ़ के मुझे भी, मतलब मेरा ही मन भर गया, जो इतना प्यार से इसे लिखा गया है। कि अब देखो होता है क्या है कि माँ के ममता जागलक, इस स्थिति में भी माँ का ममता जगा, जब उसका कंडीशन क्या है आप तब हो रहा है, कहने का मतलब कि बहुत बुरी स्थिति में उसकी माँ भी फिलहाल मरने की स्थिति में है, लेकिन तब भी माँ का ममता जगता है। कोशिश मतलब कोशिश जो है खोटा शब्द, इसका मतलब क्या होता है कोशिश, कि कोशिश करके किसी तरह से कहे पार्ली, कोशिश करके कहती है कि जंगली बेटा अब हम जा ही रहे लियो, अब हम जा रहे हैं मतलब अब हम मरने वाले हैं, अब हम जा रहे लियो जहाँ तुम्हारे पप्पा गेल थी, अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे बाप मतलब पापा गए हैं या पिताजी गए हैं, मतलब उसके पिताजी तो आइए मर गए थे, तो मतलब उनकी दुनिया में जा रहे हैं, कहने का मतलब है। तो बेस के रहबे तुम अच्छे से रहोगे, आर सुन तो तनी भीरे आई के, ये बुलाता है कि देखो अब हम जा ही रहे लियो जहाँ तुम्हारे पप्पा गेल थी, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, तो बेस के रहबे और सुन तो तनी भीरे आई के, और उसे पास बुला के बोलती है कि हमार हर के 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है, तो पान के, अब देखो यहाँ से तू लोग इधर देखना शायद नहीं दिख रहा हो, ये बोलती है कि उसके पास बुला के बोलती है कि हमार हर के 100 रुपया है, तो पान के गुमटी लगाई के बिजनेस नेदोई हो गाँव दे, एक मिनट रुको इस सेंटेंस को ठीक करने दो। हाँ ये बोला तो पान के गुमटी लगाई के बिजनेस नेदोई हो गावा देती तोर बिजनेस बढ़ाई दे तू कही के माए टटके सिराई गेलक। अब देखो ये कहानी यहाँ ख़त्म हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है कि उसकी माँ जो मरने स्थिति में रहती है बेड पे, तो बुलाती है किसे, जंगली को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि देखो मेरे पास 100 रुपया है, तुम इसे ले लो और पान का गुमटी जो है उसे खोल लो और बिजनेस को बढ़ाओ। अगर गाँव देती, कहने का मतलब गाँव की जो देवी है, अगर वो चाहेंगी तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा। और यही बोल के उसकी माँ जो है अपना प्राण त्याग देती है, मतलब उसकी माँ जो है उसका देहांत हो जाता है, वो मर जाती है सिराई गले, कहने का मतलब मर गई, क्या हुआ मर गई। तो देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कि बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है अंततः जो लेखक ने लिखा है ना, कि मरते मरते तक माँ को किसका ख्याल था, तो उसके अपने बेटे का ख्याल था, जो बेटा बेरोजगार रह गया था। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम 100 रुपया ले लो, अब तो हम पॉकेट खर्चा देने के लिए है नहीं, तुम इसे लो, एक पान का दुकान खोलो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तो यही थी कहानी जिसको मैंने आप लोग को बता दिया। और तो इस कहानी में हमें देखो
क्या देखा? हमने देखा कि एक शिक्षित अगर कोई पुरुष है, कोई नवयुवक है और उसे नौकरी ना मिले तो उसे किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है, परिवार में कैसे लोग उसे पेश आते हैं, बच्चे कैसे बुलाते हैं, समाज किस निगाह से देखता है, दोस्त साथी कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें विनोद कुमार की इस कहानी से हमें जानने को सीखने को मिला। ठीक है, सो चलिए अब हम इसका MCQs आपको दे देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक।